आम जनता लोगों के लिए नहीं है। मिनिमम पीएचडी करनी चाहिए। कौन सा पीएचडी? ये बॉलीवुड का नहीं है, हॉलीवुड का नहीं, एलियन वुड नया वाला अच्छा लगा भाई मूवी। एक्शन कैसा लगा? एक्शन भी अच्छा है और हीरो का भी उठू हाई बॉडी भी अच्छा है, देखने लायक है। एकदम क्यों, क्या ऐसा क्या लगा आपको? स्टोरी नहीं पता चल रही है उसमें। हाँ, एक्शन बात करें टाइगर श्रॉफ का, एक्शन कैसा लगा? एक्शन तो ठीक है लेकिन कुछ ये नहीं है। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? गणपत का ही। अच्छा, पाँच में से कितने रेटिंग देंगे? 3। थैंक यू। जल्दी मूवी एकदम बकवास है, एकदम फ्लॉप है। क्यों, क्या लगा आपको? डिसअपॉइंटमेंट क्या लगा? मतलब पिक्चर, मतलब स्टोरी भी अच्छी नहीं है, डायलॉग भी अच्छा नहीं है। अमिताभ बच्चन जो था, अमिताभ बच्चन उसमें मर गया। इसके लिए मूवी देखने, मतलब क्या स्टोरी पिक्चर किसी के समझ में नहीं आता तो पब्लिक इंटरव्यू में भाग गई। टाइगर श्रॉफ का काम कैसा लगा? टाइगर श्रॉफ का तो एकदम बकवास काम लगा, पूरा फाइटिंग फाइट बताया है, मतलब देखने लायक मूवी नहीं है। कितने रेटिंग? अभी रेटिंग क्या देंगे, पिक्चर ही बकवास है तो रेटिंग क्या देंगे? हम तुम्हें रिव्यू देंगे और ज़रूर देंगे। जब मैं डर जाता हूँ तो 2 घंटे की मूवी का रिव्यू 3 घंटे देता हूँ, समझ गया? वो अंदर वाला डायलॉग है। कैसी लगी अंकल? अरे भाई पहले बोलने तो दो। ये मूवी आम जनता लोगों के लिए नहीं है। मिनिमम पीएचडी करनी चाहिए। कौन सा पीएचडी? ये बॉलीवुड का नहीं है, हॉलीवुड का नहीं, एलियन वुड नया वाला, एलियन वुड की सोच होना चाहिए तभी जाके मूवी हिट होगी, समझ गए? आम जनता के लिए नहीं है, पीएचडी करनी पड़ेगी मूवी समझने के लिए। एक्शन कैसा लगा? एक्शन जानी, हम तो हमारा रिव्यू दे चुके हैं, बाकी रिव्यू जनता से ले लेना, ठीक है? चलते हैं। नहीं भैया, फ्लॉप है। क्या लगा? क्या कुछ है नहीं, स्टोरी एक्शन कुछ नहीं है यार, मज़ा नहीं आई। एक्शन है लेकिन कुछ मज़ा नहीं है, एक्शन होना चाहिए ना वैसे। टाइगर श्रॉफ के बारे में? टाइगर श्रॉफ को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छी स्टोरी पे फोकस करे, ऐसी फ्लॉप पिक्चर ना बनाए। बाकी सोने का मन हो रहा था ऐसा था उसमें। क्या बात है? अरे हीरोपंथी में केमिस्ट्री अच्छी थी, इसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं जम रही दोनों की। अमिताभ बच्चन जी के बारे में? 5 मिनट के लिए आते हैं, 5 मिनट के लिए आते सिर्फ अमिताभ बच्चन, वो भी सपनों में दिखाते, कोई पर्टिकुलर का डायलॉग भी नहीं उनके लिए। फ्लॉप मूवी, डिजास्टर, नहीं मजा आई। 5 में से कितने रेटिंग चाहिए? 1 स्टार। फुल एक्साइटेड है। क्या अच्छा लगा आपको? एक्शन फुल हिट था। एक्शन फुल हिट था, फुल एक्साइटेड। एक्शन कैसा लगा? एक्शन फुल दूंगा, अच्छा लगा। कितनी से सर? सबका काम कैसा लगा? सबका काम अच्छा है लेकिन टाइगर श्रॉफ का अच्छा लगा। बाद में वो बीच में आया था ना, उनका बाप पे करते, तब अच्छा लगा, फुल हिट था। मुझे तब से एक्साइटेड हुए सब, शरफ के पैन है फुल। टाइगर श्रॉफ को अच्छा लगा, थैंक्स बोलते सब। 5 में से कितने रेटिंग? क्या 5 में से कितने रेटिंग? 5 स्टार। बहुत अच्छी लगी हम लोग को मूवी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। स्टोरी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। टाइगर और कृति को 9 साल बाद देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। इतने साल बाद उनको, मतलब फैंस का उनका एक्सपेक्टेशन था कि कुछ नया करेंगे मूवी। हम लोग जो डिस्टोपियन जो फिल्म है, जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अच्छी है, तो मैं बहुत मज़ा आया देख के। सॉन्ग्स, स्टोरी लाइन, अमिताभ सर का जो पार्ट है और बाकी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। एक्शन बहुत अच्छा है, मतलब हर मूवी के साथ टाइगर जो एक्शन का जो लेवल है वो बार वो बढ़ाता जाता है और हमें बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक्शन बहुत, जो एक्शन कोरियोग्राफर है, आई थिंक वो टीम मैनर फॉरेन के, हॉलीवुड के उन्होंने कोरियोग्राफ किया, तो बहुत अच्छा लगा। और टाइगर तो मतलब ही इज फिनोमिनल, हमें बहुत अच्छा लगा उसको देख के। सबका काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जितने भी एक्टर्स है, कास्ट, टीम वगैरह, जितने भी टेक्नीशियन थे, सब लोग ने VFX CGI में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं बहुत अच्छा लगा। टाइगर को एक मैसेज क्या देना चाहता है? टाइगर को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, गणपत 2 साल से शूटिंग चल रही थी और लास्ट ईयर भी रिलीज होने वाला था, फाइनली इस साल रिलीज हुआ है, तो हम लोग तो बहुत 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, फाइनल रिलीज हुआ तो हम लोग बहुत खुश है। मूवी जो एक्सपेक्टेशन थी हमको, जो एंटरटेन जो हमेशा टाइगर करता है, हम लोग की उम्मीद पर वो खरा उतरा है, तो उसके लिए बस इतना कहना चाहेंगे, वी लव यू टाइगर, और बस उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। बेस्ट पार्ट क्या लगा? एक्शन, डांस और स्टोरी लाइन सब अच्छा था और एंगेजिंग जो ट्विस्ट थे मूवी के, हर बार हम लोग कुछ ना नया कुछ हम लोग ट्विस्ट हमको स्टोरी लाइन में मिल रहा था, एक्सपेक्टेशन तो वो बहुत अच्छा लगा। जाते थे 5 में से कितने रेटिंग थे? हमारे लिए तो हम लोग 5 out of 5। और लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं जिसने अब तक? अगर आप आओ हमारे सिनेमा।